नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांगड़ा में बोले मुख्यमंत्री, पहले ही हो जाना चाहिए था गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार। हमीरपुर में खाई में गिरी गाड़ी, ना ड्राइविंग सीखने वाला बचा ना सिखाने वाला। मंडी पुलिस को चकमा देकर चरस तस्कर चंपत, एसपी ने सस्पेंड किए 3 कर्मचारी। सोलन में नशा तस्करों की शामत, एक ही रात में 6 धकेले गए सीखचों के पीछे। प्रदेश में अनुसूचित जाति के 177 गांव बनेंगे आदर्श, विकास के लिए मिलेंगे 20-20 लाख। और रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में हिमाचली ऑलराउंडर ऋषि धवन के पंजे से यूपी 119 रन पर ढेर, पहली पारी में कमाई बढ़त। अब समाचार विस्तार से। गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार संबंधी तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार इस मामले में गंभीर है और इसका आकार जल्द बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए हम पहले ही लेट हैं, क्योंकि हिमाचल के पास अब तक एक बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए था। हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई हिमाचल प्रदेश में है कनेक्टिविटी। काश हमारे पास बड़ा एयरपोर्ट पहले होता। आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो है टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक विस्तार होता उसमें, लेकिन छोटे एयरपोर्ट होने के कारण कनेक्टिविटी हमारी प्रभावित रही। और उसमें भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट में कांगड़ा एयरपोर्ट फिर भी जो है बेहतर ढंग से हमारा चला है। शीतकालीन प्रवास के दौरान गुरुवार को कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि हवाई अड्डे का आकार बढ़ने से न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि कांगड़ा सहित चंबा जिला के लोगों को भी आवागमन में अतिरिक्त सुविधा होगी। यही नहीं, पर्यटन मानचित्र पर तेजी से जगह बना रहे धर्मशाला को भी एयरपोर्ट विस्तार से नई पहचान मिलेगी। हमारी हार्दिक इच्छा है, हमारे कांगड़ा में, चंबा में, खासतौर से धर्मशाला एक इंटरनेशनल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं आने वाले समय में दिख रही है। कनेक्टिविटी एक इशू है। हमीरपुर जिला के टौणी देवी क्षेत्र में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ग्वाड़ू गांव के 60 वर्षीय सुखदेव सिंह हाल ही में CISF से रिटायर हुए थे। कुछ समय पहले उन्होंने इनोवा गाड़ी खरीदी थी, लेकिन वे ड्राइविंग नहीं जानते थे। ऐसे में वह अपने ही गांव के 55 वर्षीय संसार चंद से गाड़ी चलाना सीख रहे थे। गुरुवार को भी दोनों प्रैक्टिस को निकले, लेकिन लोहाखर के टिहरी मोड़ पर गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। किसी ने यह हादसा देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों ने दोनों गाड़ी सवारों को टौणी देवी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पूरे तामझाम के बाद भी चरस तस्कर के हाथ से फिसलने पर एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और एक एचएचसी को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। ये उस टीम में शामिल हैं जो तस्कर को साथ लेकर एक और आरोपी को गिरफ्तार करने मनाली गए थे। दरअसल मंडी पुलिस ने 10 फरवरी की रात शहर में एक नेपाली को 2.25 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि नशा एक अन्य नेपाली को मनाली में डिलीवर किया जाना था। इस पर मंडी पुलिस की टीम गिरफ्त में आए आरोपी के साथ मनाली पहुंची, ताकि दूसरा भी शिकंजे में लिया जा सके। इसी दौरान मौका पाकर चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर अचानक चंपत हो गया। बहरहाल मंडी पुलिस ने फरार तस्कर को दबोचने के लिए कुल्लू पुलिस से भी सहयोग मांगा है। इसमें हमारे 3 पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उनमें एएसआई तेज सिंह, हेड कांस्टेबल मुकेश और एचएससी बद्री सिंह, इन तीनों को ही निलंबित किया गया है और उनके तीनों के खिलाफ विभागीय जांच अमल में लाई जा रही है। सोलन शहर में बुधवार की रात नशा तस्करों पर कयामत बनकर टूटी। इस दौरान पुलिस ने 6 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर सीखचों के पीछे धकेल दिया। सबसे पहले कोटला नाला चौक पर रोहड़ू का मूल निवासी एक युवक खाकी के हथे चढ़ा, जिसके कब्जे से 1.23 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। इसके बाद सब्जी मंडी गेट के सामने नंबर लगा चौपाल क्षेत्र के 3 लोगों का, जो चरस के साथ हथे चढ़े। पुलिस का अभियान यही नहीं रुका और जौनाजी रोड पर एक और युवक 2.73 ग्राम चिट्टे के साथ दबोच लिया गया। दूसरी ओर जिला के कंडा घाट में भी एक तस्कर 7.16 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।
इन चारों केसेस में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एनडीपीएस का मटेरियल है इसको सीज किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केसेस में चल रही है। हिमाचल में 500 या इससे अधिक अनुसूचित आबादी वाले गांव आदर्श बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत इस योजना में 177 गांव का चयन हुआ है। अब इन बस्तियों में सुनियोजित विकास पर 20-20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यही नहीं, हर गांव से संबंधित पंचायत को विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए 40,000 रुपए अतिरिक्त देने का प्रावधान है। इस संबंध में जिला कल्याण विकास विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद 70-30 के अनुपात में भागीदारी के तहत गांव में विकास को गति दी जाएगी। बता दें कि योजना के अंतर्गत केवल लाहौल स्पीति को छोड़कर हर जिला से गांव का चयन हुआ है। हिमाचल में चटक धूप खिलने से दिन के समय गर्मी का एहसास होने लगा है। खास तौर पर प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिन के समय तेज धूप पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 19 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में और उछाल आने की संभावना है। उधर गुरुवार को धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1-4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल दर्ज किया गया है। कांगड़ा व हमीरपुर के तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया है। ऊना का तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में भी 1-4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी आई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से पार हो गया है। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। मिस हिमाचल ब्रॉट टू बाय डाबर आमला, जो देता है मजबूत और खूबसूरत बाल। मिस हिमाचल 2020 के ऑडिशन शुरू, तो हम आ रहे हैं आपके शहर धर्मशाला 10 फरवरी, पालमपुर 11 फरवरी, मंडी 12 फरवरी, कुल्लू 13 फरवरी, हमीरपुर 14 फरवरी, ऊना 15 फरवरी, बद्दी 17 फरवरी, शिमला 18 फरवरी और सोलन शहर 19 फरवरी। तो नोट कर लें ये तारीख और रैंप वॉक के लिए हो जाएं तैयार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप की ओर से गुरुवार को कुल्लू में मिस हिमाचल 2020 प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन का आयोजन किया गया। मोहल स्थित एप्पल वैली रिजॉर्ट में इस अवसर पर युवतियों ने बेमिसाल हुनर की कुछ ऐसी झलक पेश की कि देखने वाले अवाक रह गए। आत्मविश्वास से लबरेज जिला की होनहार लड़कियों ने न केवल रैंप पर कैटवॉक की, बल्कि मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के पक्ष में तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत कर अपनी मानसिक मजबूती का परिचय भी बखूबी दिया। दिव्य हिमाचल फुटबॉल लीग में टीम कुल्लू के ऑनर और प्रमुख समाज सेवी सुभाष चंद्र शर्मा कार्यक्रम में बतौर मुख्य, जबकि मिसेज इंडिया 2017 कल्पना ठाकुर और साहित्यकार व ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक्सपर्ट इशिता शर्मा ने युवतियों की प्रतिभा परखी। अब समाचार खेल जगत से। उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीदों को हिमाचल ने करारा झटका दिया है। लखनऊ में मुकाबले के दूसरे दिन गुरुवार को ऑलराउंडर ऋषि धवन समेत हिमाचल के सभी गेंदबाजों ने बेजोड़ प्रदर्शन किया और यूपी को पहली पारी में महज 119 रन पर ऑल आउट कर दिया। हालांकि इससे पहले हिमाचली टीम पहली पारी में 220 रन बना पाई थी, लेकिन इस छोटे स्कोर को धवन ने बौना साबित नहीं होने दिया। धवन ने 12.5 ओवर में 32 रन देकर 5 विकेट झटके, जिसमें उन्होंने 4 ओवर मेडन डाले। आकाश वशिष्ठ 51 और कप्तान अंकित कलसी 16 रन पर क्रीज पर डटे हैं। और अब चलते चलते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का पांवटा साहिब में प्रहार, बोले कांग्रेस में गांधी परिवार के लिए रिजर्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। रोहडू के चिड़गांव में खेलते खेलते पब्बर नदी में बह गया 2 साल का मासूम, पास में कपड़े धोते रह गई अभागी माँ। मंडी के बल्ह में चाइल्ड लाइन ने रुकवाया नाबालिग का विवाह, इंदिरा मार्केट से मदारी का खेल दिखाने वाली 6 साल की बच्ची भी रेस्क्यू।
और करसोग में रिश्ते ताक पर। शादी के हफ्ते भर बाद पति को कमरे में बंद कर गहने समेटकर आधी रात को भाग निकली दुल्हन। हिमाचली तड़का में देखिए नीलम भारद्वाज की ये प्रस्तुति। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।